Good morning, class 7 student. This session is for mathematics, and we are now about to complete 1A unit of chapter integers. Okay, so now you have to solve some numericals questions which is related to the 1A unit of chapter integers. So I am going to solve a questions, a single questions. On the basis of it, you have to complete all the similar questions in this chapter. Okay, so let us start. The first question is like the sum of two integers is -16. If one of them is 53, find others. Okay, तो देखो बच्चों, हमारे पास दो इंटीजर्स का सम दिया हुआ है कितना 16, और एक तो दिया हुआ है हमारे पास 53. तो मैं सॉल्यूशन इसको अगर करूं तो एक नंबर जो हमारे पास है, फर्स्ट जो आपके पास जो नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ बच्चों, That is 53. And second integers हमारे पास नहीं है, तो suppose to be क्या मान लेता हूं मैं, x. ठीक है, कुछ तो नंबर होएगी, तो मैं एक x मान लेता हूं. इस दोनों को सम करने पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चों, कि वी इफ वी एड दिस नंबर वी गेट -16, राइट. सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x, इट वुड बी -16, और 53 को इस साइड ले जाएंगे वो क्या हो जाएगा, अगेन -53 हो जाएगा. सो x का वैल्यू कितना आया, 639, एंड देन 6 -69. ऑलराइट, ओके. नाउ वी विल सी द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट. लिसन, गिवन इफ a इक्वल्स टू -9, b इक्वल टू -6, देन सो दैट a माइनस बी डजंट इक्वल्स टू b माइनस a. ओके, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. देखो इसमें क्या करना है, आपके पास a माइनस बी पहले निकालना है. ओके, यू हैव टू फाइंड a माइनस बी फर्स्ट. तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, -9, एंड माइनस ये ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस मैंने यहां पे पुट किया. b का वैल्यू कितना है, विच इज अगेन -6. ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो बच्चों अगर ये माइनस है और ये माइनस, ओके, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना. अगर हमारे पास यहाँ पे -6 अगर -3 होता है तो वो क्या हो जाएगा, -9. बट इन केस ऑफ -9 माइनस एंड अगेन यहाँ पे माइनस जो ऑलरेडी एक है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो -9 + 6 विच इज कितना होगा बच्चों, -3, राइट. ओके, ना अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं जो कि है हमारे पास बी माइनस ए. तो अब यहां पे बताओ बच्चों कि b क्या क्या वैल्यू है, b का वैल्यू यहाँ पे -6 एंड देन माइनस, और a का वैल्यू क्या है, -9, राइट. तो ये क्या होगा, -6 माइनस माइनस प्लस 9, तो 9 में 6 किया कितना होगा, 3 हो गया. अब देखो ये तो आया -3 और ये आया 3, तो क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है. तो दैट्स मीन्स वी कैन से दैट a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a. ओके,